यूं तो चित्तौड़गढ़ में विभिन्न सामाजिक संगठनों और समाज सेवियों द्वारा तरह तरह से पीड़ित मानव सेवा करने के लिए समय समय पर आगे आते रहते हैं, लेकिन यहाँ चित्तौड़गढ़ में एक अनोखा और अद्भुत नज़ारा देखने को मिला, जहाँ गोपाल वेद नामक एक व्यक्ति द्वारा, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले से शिवसेना जिला प्रमुख भी है, गोपाल वेद के द्वारा अज्ञात एवं लावारिस शवों को जो अंतिम संस्कार करने एवं उनकी अस्थियों को विधिवत हिंदू रीति रिवाजों के साथ प्रतिवर्ष साल भर एकत्रित की गई, दाह संस्कार पश्चात अस्थियों को एक कलश में लेकर एक साथ सर्व जाति समानता के साथ और धर्म निरपेक्षता के साथ संदेश देने के लिए एक ही कलश में सभी अस्थियों को हरिद्वार लेकर जाकर उन्हें ठंडा किया जाता है। गोपाल वेद का यह मुहिम बताया गया कि यह हर वर्ष 2006 से अविरत जारी है, जिसके तहत उन्होंने आज तक लगभग 6,000 के लगभग लावारिस शवों को दाह संस्कार करने के पश्चात अस्थियों को हरिद्वार ले जाकर मोक्ष गति दिलाई। गोपाल वेद ने जब हमें बताया कि उन्होंने आज जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर मोक्ष गति वाहन को लेकर हरिद्वार के लिए रवाना हो रही है और इस बारे में वर्ष भर से 202 अस्थियों के साथ अपने दल को लेकर रवाना हो रहे हैं। गोपाल वेद को इस पुनीत कार्य में भारत विकास परिषद एवं चित्तौड़गढ़ के कुछ समाज सेवियों द्वारा आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। आज दोपहर 3:30 पर मोक्ष रथ को लेकर गोपाल वेद बैंड बाजे एवं शाही अंदाज में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां अस्थियों के कलश के साथ रवाना हुए, जिन्हें चित्तौड़गढ़ शहर कोतवाली विक्रम सिंह ने भगवा झंडा लहराते हुए रवाना किया। चित्तौड़गढ़ में समाज सेवी एवं प्रबुद्ध नागरिकों ने गोपाल वेद एवं उनके सहयोगियों को फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया और रथ को रवाना किया। इसी के साथ गोपाल वेद ने बताया कि वर्ष 2006 में जब पहली बार उनके मन में लावारिस शवों को हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार करने का विचार आया, तब नगर परिषद चित्तौड़गढ़ द्वारा इन लावारिस शव को ट्यूब टायर में अंतिम संस्कार किया जाता था, जिसे देखकर उनकी आत्मा दहल गई। तभी से वे इस काम को बड़ी बीड़ा उठाने के लिए आगे आए और तभी से वह अविरत इस काम को निस्वार्थ भाव से किया जा रहे हैं। आज चित्तौड़गढ़ ही नहीं, पूरे देश में इस पुनीत कार्य की सराहना की जा रही है। मेरा नाम गोपाल वेद, शिवसेना जिला प्रमुख, चित्तौड़। आम जन सहयोग द्वारा 2006 से मैं ये लावारिसों का अंतिम संस्कार करता हूँ और मुझे कुछ प्रेरणा लेने के लिए मैंने नगर परिषद के जो प्रयास देखे, नगर पालिका का अंतिम संस्कार देखा लावारिस का, वो एक शायद कुत्ते के साथ भी इस तरह से व्यवहार नहीं होता, मगर उनको रबड़ और टायर और ऑयल के साथ उनको जलाया जाता था। जिस दिन से मैंने प्रेरणा ली 2006 से अभी तक, आज तक मैं 6,000 कम से कम 6,000 व्यक्तियों को मोक्ष गति दिलवा चुका हूँ। और मैं दिलाने का मतलब मैं नहीं, आम जनता पब्लिक का सहयोग है और आम जनता का सहयोग है। आप करने वाले गोपाल जी हैं, अग्रणी गोपाल जी। 2006 से अभी तक कितनी बार जा चुके हैं आप हरिद्वार? हर साल जा, अठारह साल हो गए। अभी कितनी बार आप जा रहे हैं? ये 18वीं बार जा रहे हैं। अभी कितनी अस्थियां ले जा रहे हैं आप? ये 202 है। कितने टाइम की? ये पूरे साल की है, पूरे जिले की है। और इससे पिछले साल कितने अस्थियों को विसर्जन किया था? एक साल में एक बार विसर्जन किया जाता है, मगर इसमें एसआई लोगों का भी अंतिम संस्कार किया जाता है जी। एसआई का मतलब ये, मान लो किसी की डिलीवरी में माँ मर गई तो बस स्थिति नहीं है, तो उसका भी मैं अंतिम संस्कार करता हूँ। जिसकी स्थिति नहीं हो उसको मैं उजागर नहीं करता हूँ। अभी कितने? 202 202 पूरे जिले से है, पूरे जिले चित्तौड़ जिले से।